नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर वन चैनल। पेश है 15 मई बुधवार, राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन का बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही गरीबों को खटखटा पैसा देंगे। राहुल गांधी बोले, अग्निवीर योजना को फाड़ कर कचरे में फेंकेंगे। इसी दौरान अखिलेश बोले, हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली की। संयुक्त रैली से उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले 22 अरबपति बना रहे हैं, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। हर परिवार से एक महिला चुनी जाएगी, उन करोड़ों महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी महीने में 8,500 रुपया खाते में खटाखट आएगा। 4 जून को वे हिंदुस्तान के गरीबों किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूपीए सरकार में पहले किया था। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर योजना को हम फाड़ कर कचरे में फेंक देंगे, हम शहीदों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। ये बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अच्छी क्वालिटी के राशन देने का ऐलान किया है। साथ ही गरीबों किसानों और कमजोर लोगों के लिए जो सरकार है वो बननी चाहिए, अंबानी और अडानी की सरकार हटाई जानी चाहिए, ये बात भी कही है। मुफ्त अनाज को लेकर उन्होंने कहा कि ये योजना कांग्रेस की सरकार ही लेकर आई थी। चलिए आप बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भजनलाल शर्मा का ट्वीट, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर दी जानकारी। गोवान सेतु से एडखेली का निर्माण तथा दुग्ध सारा और बाटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के समान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। उन्होंने इस संबंध में बताया कि प्रथम चरण के अंदर 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण दिया जाएगा। इस पर आगामी वर्ष में 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी भजनलाल शर्मा ने ट्वीट करके दी है। पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर उन्होंने ये बड़ी सौगात दी है। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर। राजस्थान में ड्रग्स माफिया के खिलाफ चलेगा सख्त अभियान, मुख्य सचिव के बड़े निर्देश। सुधांश पंत द्वारा इस संबंध में शासन सचिवालय में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की कोई घटना होने पर उसकी त्वरित जांच कर अपराधी को सजा दिलवाई जाए। इसके लिए सभी कर्मचारियों और कम्युनिटी पुलिसिंग को क्रियाशील किया जाने के निर्देश दिए हैं, जिससे अपराधियों में भय बना रहे और आमजन में विश्वास है वो बना रहे। चलिए अगली बड़ी खबर। दुनिया का सबसे महंगा 17.5 करोड़ का इंजेक्शन राजस्थान, अब बसेगी मासूम हथियार की जिंदगी। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोपी से पीड़ित हड्डियांश अब आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकेगा। अब उसे दुनिया के सबसे महंगे इंजेक्शन जोले किसना लगने जा रहा है। हड्डियांश का 2 बजे तक इंजेक्शन लग सकता है। इसके लिए पेपर वर्क कंप्लीट किया जा चुका है। जेके लोन अस्पताल में इंजेक्शन आ चुका है, जिसे आज बच्चे को लगाया जाएगा। बता दें कि हड्डियांश को बचाने के लिए मुहिम चलाई गई थी। इसके बाद लोग क्राउड फंडिंग के लिए आगे आए, जिससे हड्डियांश का इलाज संभव हो सकेगा। इसके लिए हमने आवाज भी उठाई थी। बता दें कि हड्डियांश के सासा ने जानकारी दी कि इंजेक्शन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने हड्डियांश के इलाज में काफी मदद की है। 17 करोड़ का इंजेक्शन राजस्थान में भेजा है। एक बच्चे के लिए 17 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। चलिए अगली बड़ी खबर। बजरीलाल सरकार को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की बजरी खनन की ई नीलामी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर राज्य सरकार के जवाब के बाद ई नीलामी पर रोक के आदेश को स्थगित करते हुए रोक को हटा दिया था। हाईकोर्ट ने सत्य स्वरूप सिंह के द्वारा याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि टोंक्स, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, अजमेर, सिरोही जिले की बजरी खानों को नीलामी शामिल थी, यह बड़ी राहत मिली है। चलिए अगली बड़ी खबर। राजस्थान में फिर झुलसाने वाली गर्मी और लू की चेतावनी, कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। मौसम केंद्र जयपुर के ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक बीकानेर और जोधपुर संभाग में 15 से 16 मई के दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में 17 और 18 मई के दौरान तीव्र लू चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज 15 मई से कम होगी, जबकि 16 मई से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में 16 से 18 मई के दौरान लू चलने की चेतावनी भी जारी किया है। देखना यह भी होगा कि 17 मई से आने वाला ताजा पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के मौसम पर कितना असर डालता है। चलिए अगली बड़ी खबर। सचिन पायलट ने कांग्रेस के दिग्गज नेता उम्मेदाराम बेनीवाल को बताया गैर कांग्रेसी, बोले वो हमारी पार्टी के नहीं है। आरएलपी से नेता रहे उम्मेदवार बेनीवाल को लेकर सचिन पायलट ने बड़ा दावा किया है। राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनाव होने के बाद भी इस हॉट सीट लगातार चर्चा हो रही है। बाड़मेर जसमे बालोतरा से सटे बाजार के मुताबिक उम्मेदवार बेनीवाल जीत रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान उम्मेदवार बेनीवाल जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उनको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का ये प्रत्याशी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सीट हमें गठबंधन ने दी है, उम्मीदवार हमारी पार्टी के नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने पार्टी के चुनाव लड़ने की तारीफ की है। चलिए अगली बड़ी खबर। एसआईटी करेगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस की जांच, सरकार के आदेश पर बनाई 8 सदस्यों की टीम, जयपुर पुलिस कमिश्नर करेंगे मॉनिटरिंग। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठन के आदेश दिए थे। इस पर अब जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज रोबस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। बता दें कि 8 सदस्यों की ये टीम बनाई गई है। एसआईटी ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस की जांच करेगी। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर। पायलट को लेकर बोले गहलोत, ऐसी बेकूफी न करें कि बुलाया नहीं। एक बार फिर से पूर्व सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के रिश्तों के बीच में खटास आई है। लोकसभा चुनावों के दौरान पूर्व सीएम गहलोत ने बेटे वैभव गहलोत की सीट जालोर सिरोही पर प्रसार करने नहीं जाने के मुद्दे पर अब खींचतान शुरू हो गई है। सचिन पायलट ने कहा था कि उन्हें जालोर प्रसार के लिए बुलाया नहीं। अब अशोक गहलोत ने पायलट के बयान को बेवकूफी से जोड़ते हुए हमला बोला है। वैभव गहलोत का प्रसार करने के लिए नहीं बुलाने के सचिन पायलट के बयान पर अमेठी में एक इंटरव्यू के दौरान गहलोत ने कहा कि अनावश्यक मुद्दा बनता है या कई बार बनाया जाता है। चुनाव के वक्त किसी को ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर। थमेगा ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला, आज फिर एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द। किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। NWR ने एक बार फिर से एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। लगातार ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को बेजा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे के मुताबिक किसान आंदोलन पटरियों पर जितना लंबा चलेगा उतनी ही ट्रेनें डिस्टर्ब होंगी। लिहाजा अगर आप इस ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं और खासकर पंजाब तथा हरियाणा की तरफ जा रहे हैं तो पहले रेलवे की वेबसाइट को जरूर देखें। चलिए अगली बड़ी खबर। नशे के लिए उपयोग में ली जा रही 14 तरह की दवाओं पर होगी सख्ती। प्रदेश में अवैध तरीके से बेची जा रही 14 तरह की दवाइयों पर औषधि नियंत्रण विभाग सख्ती करने की तैयारी कर रहा है। ये दवा आमतौर पर मानसिक रोगों और न्यूरो संबंधित इलाज में काम आती है जिसे लोग नशे के लिए उपयोग कर रहे हैं। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बड़ी एडमिशन की तारीख, दूसरी तरफ बसिला सरकार बदलने का बना रही है प्लान। अंग्रेजी मीडियम की स्कूल है यानी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में आवेदन की अंतिम तिथि शिक्षा विभाग ने बढ़ा दी है। पहले ऑनलाइन आवेदन की तिथि 12 मई थी जिसे बढ़ाकर आज 15 मई तक कर दिया गया है। प्रदेश की कुल 3773 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूलें हैं। नए सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया आज जारी रहेगी। इन स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बजेलाल सरकार इन स्कूलों को बंद करना चाहती है। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर। डोटासरा को पीसी सीट का मिलेगा एक्सटेंशन, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लगातार कई बड़े नेता रेस में। राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। इसी बीच कांग्रेस में से 8 जून को चुनाव परिणाम नाम आने के बाद बड़े बदलाव होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि चुनाव परिणाम के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर हाईकमान बड़ा फैसला ले सकता है। इसको लेकर कांग्रेस में पीसी सीट को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। बता दें कि इस सियासत के अंदर हाल ही में राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, अब 4 जून परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस की अगली नजर राजस्थान के पंचायती राज चुनावों पर है। इधर कांग्रेस में पीसी सीट को लेकर फिर से सियासी चर्चा शुरू हो गई है। कयास है कि 4 जून के परिपक्व के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कोई फैसला हो सकता है। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं के नाम को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। वहीं चर्चा यह भी है कि कांग्रेस वर्तमान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जारी रख सकती है। इसी बीच मांगे उठने लगी कि यदि पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को बढ़त हासिल करनी है तो फिर से पायलट को कमान सौंपनी होगी, तो पायलट को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम जल्दी होगा जारी, डेट और टाइम हुआ अपडेट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा यानी RBC इस सप्ताह में 10वीं और 12वीं दोनों क्लास का परिणाम एक साथ जारी कर सकता है। कहा जा रहा है कि 20 मई तक RBSE और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट आने पर
पर चेक किए जा सकते हैं। वेबसाइट पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की परिणाम घोषित करने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीएसई दोनों क्लासों के नतीजे 15 मई 2024 तक जारी कर सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सभी अभियानों में प्लास्टिक की बोतलों पर लगा रोक, अनदेखी पर 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। राजस्थान के वन विभाग ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी नेशनल पार्क अभियान और टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भीषण गर्मी के मद्देनजर राजस्थान के जयपुर राजधानी के स्कूलों को किया गया अवकाश घोषित। सभी स्कूलों में अधिक से गर्मी की वजह से 2 दिन की छुट्टियां घोषित, आदेश हुए जारी। भीषण गर्मी और लू की वजह से प्रदेश के अंदर स्कूलों में 2 दिन की छुट्टियां घोषित की गई है ताकि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह की कोई प्रकार लू का प्रभाव नहीं पड़े। वर्तमान में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है जिसमें बच्चे बीमार हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में निपटने के लिए सरकार की तरफ से बकायदा 2 दिन की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर, मनरेगा में बिना कार्य के उठा रहे लोग भुगतान, 50% कमीशन पर हो रहा है खेला, ग्रामीणों ने दी चेतावनी। राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति में मनरेगा कार्य को लेकर लगातार अनियमितता बरतने की ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। आरोप है कि शिकायतों के बाद भी अधिकारी मामलों को अनदेखी कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत बरपुरा के कुछ लोगों ने बाड़ी में विकास अधिकारी को एक शिकायत दर्ज की है। बता दें कि अगली बड़ी खबर, बदल वालों वाहनों की नंबर प्लेट, नहीं तो भरना पड़ेगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना। 5 साल से पुराने रजिस्टर्ड वाहनों पर फैंसी नंबर वाली प्लेट लगाने वाले वाहन मालिकों को अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। पुराने वाहन पर 30 जून 2024 तक ये प्लेट नहीं लगाने पर परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिक से भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर, अहम खबर है, थोक महंगाई पर 13 महीने इसके टॉप पर राजस्थान और देश। खाने पाने की चीजें हुई महंगी, साबुन तेल जैसी डेली यूज के सामानों के दाम भी बढ़ाए गए। अप्रैल में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है। ये महंगाई का 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई पर 1.37% थी। खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। चलिए अगली बड़ी खबर, सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी, सोना 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा, वहीं चांदी फिर 84,000 रुपए प्रति किलो पर पार निकली। सोने की कीमतों में आज यानी मामूली बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 38 रुपए महंगा होकर 72,202 रुपए पर पहुंच गई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।